हमेशा मीठे अल्फाज बोलो, कभी अल्फाज वापिस लेने पड़े तो कड़वे ना लगे। जिंदगी में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि जब आप को ऐसा लगे कि शायद मैं कुछ गलत बोल गया हूँ, या मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या मैं जो कह रही थी वो ठीक नहीं कहा, तो इतने कड़वे ना हो वो अल्फाज, इतनी बुरी तरीके की इंसल्ट ना की गई हो जो वापस ना की जा सके, या अपने अल्फाज वापस ना लिए जा सके, या माजरत ना की जा सके। माजरत का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, अक्सर लोग माजरत करना तो पसंद ही नहीं करते, बल्कि उल्टा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो जाती है कि खुद ही गलत कहा होता है और खुद ही कहने लगते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। और अक्सर लोग तो उसी मौके पे अपने आप को झूठा करार दे देते हैं ये कह के कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसा भी होता है कि लोग इतना बुरा बुरा कह जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि नहीं, मैंने उस सेंस में नहीं कहा, मेरी वो बात नहीं थी। कहते हैं कि जब किसी से लड़ाई करो ना तो इस हद तक जाओ कि वापसी का रास्ता बच जाए, वापसी का रास्ता हो, वापसी का रास्ता छोड़ दें आप। लेकिन अगर आपने वापसी का रास्ता ही नहीं छोड़ा व्यूवर्स, तो फिर तो आप अपनी मुंह की खाएंगे। लड़ाई करते हुए भी थोड़ा सा ना मोहतात रहना चाहिए, थोड़ी सी तमीज दिखानी चाहिए, लड़ाई करते हुए भी तमीज का दायरा हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। लड़ाई करते हुए भी पता चल रहा हो कि बस आप पढ़े लिखे हैं, आज आपको थोड़ा सा गुस्सा आया हुआ है, इतना बेवकाती होने की जरूरत नहीं है। बल्कि वैसे भी फरमान है कि गुस्से में तो आपकी असलियत नजर आ रही होती है, जो आप सोच रहे होते हैं ना वही होता है। हालांकि लोग बाद में कह रहे होते हैं, यार मैं गुस्से में थी, मैंने इसलिए ऐसा कह दिया, यार मैं गुस्से में था, बुरा ना मनाना, जबकि वही असलियत थी। कितनी अजीब सी रियलिटी है ना ये, कि असलियत वही है जो हम गुस्से में, जो हम सोचते रहते हैं ना आमतौर पर दिमाग में लोगों के बारे में, क्योंकि इंसान तो सोचता ही घटिया है ना, तो वही चीजें फिर इंसान गुस्से में बाहर निकालता है, क्योंकि इंसान अपने आप को सुपीरियर समझता है, दूसरे को बिल्कुल घटिया समझता है। और इस्लाम में किसी भी शख्स के बुरे होने की यही पहचान है कि आप दूसरों को बुरा कहें और खुद को अच्छा समझें, तो वो इंसान सबसे बुरा है जो दूसरों को बुरा कहता है और खुद को बड़ा अपने आप को परफेक्ट समझता है। परफेक्ट तो कोई है ही नहीं, किसी ने अपनी बीवी से, किसी ने अपने दोस्त से, किसी ने अपनी औलाद से कहा कि तुम परफेक्ट नहीं हो, उनको बुरा लग गया, तो बाबा बुरा किस चीज का लगा है तुम्हें, बेशक तुम परफेक्ट नहीं हो, परफेक्ट जात सिर्फ मेरे रब की है जो आसमानों पे बैठी है, जो मुकम्मल है, जो हमेशा रहने वाली जात है। इंसान तो है ही फारिग, इंसान को तो अल्लाह ने कीचड़ से बनाया है, आप उठाकर कुरान पाक का तर्जमा पढ़ के देख लें। मैं ये नहीं कहती कि इंसान बहुत ज्यादा फखर ना करे, फखर एक अलग चीज है और गरूर एक अलग चीज है। गरूर किस चीज का, अगली सांस का आपको पता नहीं है, इस हद तक भयानक किस्म के मोड़ पे जिंदगी की आप ठहरे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आप आज शाम है या नहीं है। आपको ये भी नहीं पता कि आप मेरी अभी जो वीडियो सुन रहे हैं कि 2 घंटे के बाद आप हैं भी या नहीं है, ये आपकी आज कब्र में पहली रात तो नहीं है। आपको तो ये भी नहीं पता कि आज जो रात आनी है वो आपकी कब्र में पहली रात तो नहीं है। हाय हाय हाय, क्या आपने कोई तैयारी कर रखी है? नहीं। हाँ, शायद आपने कल सुबह की तैयारी कर रखी है कि कल हमें कहाँ जाना है, परसों हमें क्या खाना है, सालों बाद हमारा क्या होगा, कल का बहुत प्लान है, आज का नहीं पता। तो बाबा इस हद तक बेयकीनी की जिंदगी, बड़ा बेएतबारा इंसान, बड़ा अनट्रस्टेबल अनवर्दी किस्म का वक्त, तो फिर भी आप इतना कड़वा बोलते हैं जिसका आपको जवाब देना है, अल्लाह के आगे आपने हिसाब देना है कि तुम कौन थे इतना कड़वा बोलने वाले, किससे पूछकर तुमने सामने वाली की इतनी बेइज्जती कर दी, उसको हकीर समझा, उसको बुरा बताया, होते कौन हो तुम? उसने सिर्फ मेरे इस्लाम पे अमल किया था, वो सबर कर गया, उसने बर्दाश्त कर लिया, वो चुप कर गया, तो तुमने अपनी जहालत को उसके सर पे चढ़ा दिया और तुमने कहा कि नहीं, मैं जाहिल भी हूं और हाकिम भी हूं, मैं जुल्म करूंगा और देखो मेरी कोई क्या कर लेगा। नो, आप सब कुछ आपका हो सकता है, अल्लाह एक झटके में आपको बर्बाद करके रख देगा। और इंशाल्लाह बुरा बोलने वालों, बुरा कहने वालों का, लोगों पे जुल्म करने वालों का, अपनी हद से भर के बड़बड़ करने वालों का बुरा अंजाम होगा इंशाल्लाह। वो रुल जाएंगे, वो परेशान रहेंगे, वो बीमार रहेंगे, वो मरीज रहेंगे। हर वो इंसान जो कहता है ना मैं बीमार हूं, मैं मरीज हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
वो बेशक किसी का दिल दुखाए हुए होता है। कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में कोई शख्स उसके बारे में बददुआएं करने में मसरूफ है। कितनी बददुआएं समेटेंगे? वो खुशियां, वो बातें, वो रहमतें जो अल्लाह ने आपको रखी थी, आपके लिए संभाल रखी थी, आपको देनी थी, सब इस कड़वाहट के पीछे आपने सब खो दिया। अब कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपने अल्लाह की सबसे खूबसूरत तखलीक, अशरफुल मखलूकात, इंसान का दिल दुखाया है। और उस इंसान का जिसको अल्लाह ने मुकम्मल बनाया था, खूबसूरत बनाया था, खुद अल्लाह ने उसके रिज्क को अपने हाथ में रखा था, तो आप कौन है? ना आप उसको रिस्क दे रहे हैं, ना आप उसकी सेहत का ध्यान में है, ना आपकी खिदमत में आप उसमें कहीं हैं, कुछ भी नहीं। सिर्फ सलाम दुआ की हद तक एक इंसान से आपका दूसरे इंसान के साथ ताल्लुक है, उसके बावजूद आप उसको नीचा दिखा रहे हैं। आप होते कौन है? आपने रोटी लगाई हुई है उनकी? आप उनको कपड़े लेके दे रहे हैं? क्या रिहाइश आपकी साथ है? अच्छा अच्छा वो एक घर में घुसे हुए हैं ना सारे, तो शायद आपको लगता है कि हम उनके ऊपर हाकिम भी हैं। क्यों? अगर अगला शख्स अपने कमरे में रह रहा है, आप अपने कमरे में रह रहे हैं, तो फिर क्या ये बड़बड़ किस चीज की भाई? अगर एक शख्स अपने ऑफिस में रहता है, अगर एक शख्स अपने घर में रहता है, अगर एक शख्स अपनी झोपड़ी में रहता है, अगर एक शख्स अपने गांव में रहता है, एक शख्स अपने शहर में रहता है, सालों बाद आप लोग एक दूसरे से मिलते हैं अपने अपने मुल्कों से आके, तो आप दूसरों की बेइज्जती करने के लिए बैठे हैं? एक शख्स सुबह का गया, शाम को आपसे मिलता है, आप होते कौन है उसके बारे में बात करने वाले? बड़ी अजीब सी है दुनिया, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। शरीफ पिस रहा है, उसकी शराफत का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। शरीफ बंदा जिसको इस्लाम ने ये शऊर दिया है कि तुम अगर शरीफ हो तो यही पहचान है कि तुम्हारी तुम सबर करोगे, तुम अपने अल्लाह के जवाब का इंतजार करोगे, तुम अपने अल्लाह की खातिर खामोश रहोगे, तुम अपने अल्लाह की मोहब्बत में बिल्कुल जवाब नहीं दोगे। अल्लाह की मोहब्बत भारी पड़ गई उस शख्स पे, मेरा अल्लाह उसको अजर देगा। आज वो आंसू में रो रहा है, आज वो आंसू बहा रहा है, आज वो शख्स कल रात से परेशान है, आज वो शख्स बीमारी में चला गया है इसी वजह से कि लोगों ने उसे दुख दिए, उसका कोई इंसाफ करने वाला नहीं है। मेरा रब, रब्बे कायनात, जिसके आगे उसने अपने दुखड़े रखे हैं, जिसके आगे उसने अपने आंसू रखे हैं, वो ऐसा इंसाफ करेगा आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। मेरा रब उसका फैसला करेगा। मेरे रब ने कहा है, मेरा वादा है, जिसकी चीज को तुमने मुझ पर छोड़ा है, मैं उसका तुमसे बढ़ के बदला लूंगा और अनकरीब तुमको खुश कर दूंगा। बड़ी ही औरतें, बड़े ही मर्द, बहुत सारे ऐसे लोग, बच्चे, बहुत सारे बूढ़े नाजायज पिस रहे हैं, बस उनका कोई नहीं बचा अब, लेकिन मेरा रब उनका है। हमेशा मीठे अल्फाज बोलें, अच्छा बोलें, तमीजदार बोलें, प्यार से बोलें, लहजे के उतार चढ़ाव को समझें, सामने वाले के मुंह पे फर 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 जो मुंह में आया जबान मारी, ये सब बकवास बातें हैं। हाँ ये तो आपकी जहालत है, हम बोल सकते हैं, हमें बोलना आता है, बोलना आना और बात है, मुंह में जबान अल्लाह ने दी है, ऑब्वियसली बोलेंगे तो सही। आप किस तरीके से बोल रहे हैं, किस लहजे से बोल रहे हैं, वो सब काउंट किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़े बड़े सिनेरियोज में, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी मीटिंग्स में बैठ के बड़ी बादशाहत के साथ बड़ी गहरी बातें और बड़ी सलूक से बात करते हैं। क्या बात है उन लोगों की, क्या ही बात है। वो अपने अशरफुल मखलूकात होने का, अपने इंसान होने का, अपने खूबसूरत होने का बहुत प्यारा एक सबूत देते हैं। और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज और बैंक्स और बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज और स्कूलों के इतने बड़े बड़े मालिक हैं, ब्रांड्स के मालिक हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, ऐसी मीटिंग्स को छोड़कर नमाज पढ़ते हैं, वहीं पेन फेंक देते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बोलने पे आते हैं तो इतना अच्छा और गहरा बोलते हैं, इतना हम्बल बोलते हैं। अल्लाह ने उनके नीचे नौकरों की लाइन लगाई है, सबऑर्डिनेट्स की लाइन लगाई है, उनका हर हर मसला अल्लाह ने हल किया है, सब उनकी जबान से। वो इतना मीठा बोलते हैं, लोगों को अपना कर लेते हैं, एक बहुत मुकम्मल टीम उनके नीचे काम करती है। आप भी वैसे बन जाएं, अल्लाह आपका भी हाथ खोल दे, आपका रिस्क खोल दे। आप क्यों एक कमरे में छुपे पड़े हैं, दुबके पड़े हैं? आप भी निकलें, दुनिया देखें और दुनिया के साथ खलूस से बात करें। आज बहुत सारी गहरी बातें आपको की हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी आउट व्यूअर्स।